टेस्ट में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाले और सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट की एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाले खिलाड़ियों के बारे में और सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो दोस्तों आप भी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों बगैर वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाले और सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाले खिलाड़ियों के बारे में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाले पहले खिलाड़ी जैक्स कैलिस हैं। कैलिस ने कुल 23 बार मैन ऑफ द मैच पाया है। वहीं दूसरे स्थान पर श्रीलंका के बेहतरीन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन हैं। मुथैया मुरलीधरन को कुल 19 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। तीसरे और चौथे स्थान पर वसीम अकरम और शेन वॉर्न हैं, दोनों को 17-17 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। वहीं पांचवें और छठवें स्थान पर कुमार संगकारा और रिकी पोंटिंग हैं, दोनों को 16-16 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है। वहीं सचिन तेंदुलकर को 14 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है और वे 9वें स्थान पर हैं। वहीं दोस्तों सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो टेस्ट मैचों में सबसे तेज़ी से 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में पहला और दूसरा स्थान पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हर्बर्ट सटक्लिफ और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एवटन विक्स हैं। दोनों ने 12-12 इनिंग में ही 1000 रन पूरे कर लिए थे। तीसरे स्थान पर डॉन ब्रैडमैन हैं, ब्रैडमैन ने 13 इनिंग में 1000 रन बना लिए थे। चौथे और पांचवें स्थान पर नील हार्वे और विनोद कामली हैं, दोनों ने 14-14 इनिंग में टेस्ट मैचों में 1000 रन बना लिए थे। दोस्तों इस सब बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप इस सब बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।